बच्चे कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी लोगों का अच्छे एवं संपूर्ण शिक्षा देने के एकमात्र स्थान अभिप्सा एजुकेशन फॉर एक्सीलेंस के इस ऑनलाइन क्लासेस पर। तो बच्चों, जैसे कि आप सभी लोगों को पता है, हम बात कर रहे हैं अपने एग्जाम सीरीज मिशन 2023 के बारे में, जहां पर हम अपने लास्ट क्लास में अध्याय 6 निर्देशांक ज्यामिति को कंप्लीट कर लिए थे। हमने पीवाई किस पर बात किया है, हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर बात किया है और साथ ही साथ हमने क्विक रिविजन भी कर लिया है। आज की इस क्लास में बहुत ही खूबसूरत अंदाज में अपने एक नए चैप्टर को स्टार्ट करने जा रहे हैं। अगला जो हमारा अध्याय है, अध्याय 7 आलेख, इसको स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो आ जाइए, बिल्कुल मेरे साथ जुड़ जाइए और आज की इस खूबसूरत क्लास को हम बिना किसी देर के स्टार्ट करते हैं। देखिए, तो हमारा जो मिशन चल रहा था, उस मिशन का नाम क्या है, छत्तीसगढ़ बोर्ड परीक्षा मिशन 2023, जहां पर मैं टकेश्वर साहू आप सभी लोगों को कक्षा 10वीं विषय गणित को पढ़ाता हूं। और आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला, उस टॉपिक का नाम क्या है, अध्याय 7 आलेख, जिसे हम इंग्लिश में ग्राफ भी बोलते हैं। तो आलेख या फिर ग्राफ का एक ऐसा वीडियो होने वाला है जहां पर मैं आपको टोटल 4 ही प्रश्न कराने वाला, मात्र 4 प्रश्न और 4 में से 4 अंक आपके होने वाले। जी हाँ बच्चों, बिल्कुल 4 प्रश्न और 4 में से 4 अंक, इसके अलावा और कहीं से पढ़ने की आपको जरूरत नहीं पड़ने वाली है। 4 प्रश्न और आपके 4 नंबर पक्के होने वाले हैं। 200% चांस है कि यहीं से क्वेश्चन आने वाला है और 200% मैं कह भी सकता हूं कि बिल्कुल यहीं से प्रश्न उठाए जाएंगे। 2 प्रश्न आएंगे, उसमें केवल एक ही प्रश्न का जवाब देना। मैं बार बार बोलता हूं इस बात को कि जो 4 नंबर वाले, 5 नंबर वाले और 6 नंबर वाले क्वेश्चन होते हैं वो अथवा में होते हैं। तो यहां से 2 प्रश्न आएंगे लेकिन इसका आंसर हमें एक ही को देना है, एक ही का हमें आंसर ना, दोनों का बिल्कुल नहीं देना है। बिल्कुल ठीक है, चलिए। अगर मैं बात करूं सरलता के विषय में, तो पूरे कक्षा 10वीं विषय गणित के आपके जितने भी चैप्टर है ना, 16 के 16 चैप्टर में सबसे जो सरल अध्याय है वो यही अध्याय। मैं इसको बोनस नंबर बोलता हूं। क्या बोलता हूं? बोनस नंबर बोलता हूं। 4 नंबर आपके बोनस है। कोई भी फॉर्मूला नहीं आता, कोई भी कैलकुलेशन नहीं आता, सिंपल से बड़े आराम से 4 नंबर मिल जाते हैं। तो कैसे प्रश्न आपके एग्जाम में पूछना है, चलिए अब हम इस पर बात करते हैं। बहुत ही खूबसूरत सा प्रश्न लेकर देखें। यहां पर मैंने एक बहुत बेहतरीन तरीके से एक प्रश्न लिया है, प्रश्न क्रमांक 1। बहुत इजी है, बहुत उजी है, उसे उखाड़ कर फेंक देंगे। देखो कुछ नहीं रखे इसमें, कुछ भी फॉर्मूला, कुछ भी कैलकुलेशन, कुछ भी नहीं करना है, बस एक ग्राफ पेपर और आपके पूरे में पूरे नंबर आपको मिल जाएंगे। आ जाओ देख लो। चलिए इस प्रश्न को पहले हम पढ़ लेते हैं। देखो क्या बोला गया है, एक व्यक्ति ने अपनी गाड़ी में 5 लीटर पेट्रोल भरा है। बिल्कुल सर, कहानी यहां तक की क्लियर है कि एक व्यक्ति जो है वो अपनी गाड़ी में 5 लीटर का पेट्रोल भरवाया। ठीक है सर, बिल्कुल। 5 दिनों में बचे हुए पेट्रोल की मात्रा व दिनों को निम्नांकित सारणी में दर्शाया गया। बिल्कुल दर्शाया गया, यहां पर आपको टेबल के फॉर्म में एक क्वेश्चन दिख रहा है। फिर यहां पर लास्ट टाइम में क्या बोला हुआ है, बचे हुए पेट्रोल की मात्रा तथा दिनों के मध्य हमें आलेख खींचना, ग्राफ बनाना। बिल्कुल सर, बना लेंगे। देखो अब इस टेबल को देखिए, यहां पर आपको 2 पंक्ति दिख रहे होंगे। पहले पंक्ति में क्या है, दिन है। दिन जो है 1, 2, 3, 4, 5, अधिकतम कितना है, 5 दिन तक है। ठीक है, यहां तक की कहानी क्लियर है। फिर नीचे वाले पंक्ति में क्या दिया हुआ है, बचे हुए पेट्रोल की मात्रा है जो कि लीटर में दिया गया है। भाई कुछ ना कुछ तो यूनिट देना पड़ेगा ना, तो यहां पर क्या दिया हुआ है, लीटर में दिया हुआ है। तो पहले दिन में 4 लीटर पेट्रोल बचता है, दूसरे दिन में 3 लीटर का पेट्रोल बचता है, तीसरे दिन में 2 लीटर और चौथे दिन में 1 लीटर और पांचवें दिन में कोई भी पेट्रोल नहीं बचता है। यह हमें टेबल के फॉर्म में क्वेश्चन दिया गया, बिल्कुल दिया गया। अब हमें इसको ग्राफ पर प्रदर्शित करना है। बोला गया है कि बचे हुए पेट्रोल की मात्रा तथा दिनों की संख्या के मध्य आलेख खींचना, बिल्कुल कर लेंगे। देखो और बच्चों, हमने ग्राफ बनाना ऑलरेडी ही सीख लिया है, मैंने आपको निर्देशांक ज्यामिति में बहुत अच्छे तरीके से ग्राफ बनाना सिखा लिया है। अब यहां पर टेबल को देखने से मुझे एक बात पता चल रहा है कि जितने भी यहां पर डेटा दिए गए थे, आंकड़े दिए गए ना, वे सबके सब क्या है, धनात्मक में। किसमें बच्चों, धनात्मक में। और हमें एक बात पता है कि जब भी हम ग्राफ बनाते हैं, तो यह हमारा होता है सेंटर, जिसे हम मूल बिंदु कहते हैं। अब मूल बिंदु से अगर हम इस तरफ चलते हैं, आगे की ओर बढ़ते हैं राइट हैंड साइड में, तो धनात्मक संख्या मिलती है, और केंद्र से अगर हम ऊपर की ओर चलते हैं तब हम भी हमें क्या मिलता है, धनात्मक संख्या ही मिलती है। अगर हम केंद्र से इस तरफ चलते हैं या फिर इस तरफ चलते हैं तो ऋणात्मक संख्या मिलती है। मैं कहना क्या चाहता हूं, अब समझना इसको, जो भी डेटा दिया गया है वो धनात्मक में दिया गया, तो जो हमें पूरा काम करना है वो धनात्मक दिशा में ही करना है, धनात्मक दिशा में करना है, इस वाले दिशा में ही करना है। तो मैं क्या करूंगा, जब ग्राफ बनाऊंगा मैं तो कुछ इस प्रकार से ग्राफ बनाने वाला हूं। मैं ऋणात्मक वाले को छोटा लाइन बनाऊंगा और धनात्मक वाले को मैं ज्यादा बड़ा लाइन बनाऊंगा, क्योंकि पूरा जो काम करना है मुझे इस वाले भाग पर करना है। तो बात समझ में आ गई कि हमारे जो ग्राफ का फॉर्मेट किस प्रकार से होने वाला है। बिल्कुल सर, यहां तक की कहानी बहुत बेहतरीन तरीके से क्लियर। आ जाओ। कुछ नहीं, क्वेश्चन कुछ भी नहीं देखा, 4 नंबर बोनस नंबर है, 4 नंबर पूरा बोनस नंबर आपका। ठीक है चलो,
तो ग्राफ बनाना हमने ऑलरेडी सीख लिया हुआ है, अब क्या करेंगे ग्राफ बनाने। आ जाओ बिल्कुल बनाते हैं ग्राफ। देखो तो ग्राफ बनाने के लिए मैंने आपको क्या बताया हुआ, सबसे पहले आपको लेना एक सोई हुई रेखा बनाना, लेटी हुई रेखा बनाना, जिसे हम क्षैतिज रेखा कहते हैं। बिल्कुल क्षैतिज रेखा, बिल्कुल बना लेंगे। देखो ये क्षैतिज रेखा, देखो एकदम सीधी लाइन बनाना, एकदम सीधी लाइन भाई, एकदम देखो एकदम सीधी लाइन मैंने यहां पर एक लाइन खींच दी, ये क्या है हमारा क्षैतिज रेखा है। अब हम क्या करेंगे इसी के लंबवत हम बनाते हैं अपने अपने ऊर्ध्वाधर अक्ष को, या फिर ऊर्ध्वाधर लाइन जिसे हम बोलते हैं। बिल्कुल यहां पर मैं इस लाइन को थोड़ा सा सीधा करता हूं, देखो ये सीधा हो चुका, देखो बात क्लियर है। अब इतना करते ही आप सोच क्या रहे हो, चारों तरफ लगाओ ना एरो का निशान, बिल्कुल चारों तरफ एरो का निशान लगाना है। ये इधर मैंने एरो का निशान लगाया, इधर भी मैंने एरो का निशान लगाया, और ये इधर भी मैंने एरो का निशान लगा दिया। और हमें ये बात अच्छे से पता है कि ये जो क्षैतिज रेखा है और ये जो ऊर्ध्वाधर रेखा है, इन दोनों के कटान बिंदु को कहां पर मिल रहा है हमें, ये इन दोनों के कटान बिंदु को हम बोलते हैं मूल बिंदु, जिसे हम ओ से प्रदर्शित करते हैं। किससे ओ से प्रदर्शित करते हैं, जिसका अगर मैं निर्देशांक पूछूं तो आपका जवाब होना चाहिए कि सर इसका निर्देशांक 0 0 होता है। बिल्कुल यहां तक की कहानी क्लियर है, ठीक है। चलिए अब देखिए यहां पर बोला गया था क्या क्या, कि बचे हुए पेट्रोल की मात्रा तथा दिनों की संख्या के मध्य आलेख खींचना है। तो मैं क्या करूंगा, जो दिन है इसको मैं एक अक्ष पर रखूंगा, और बचे हुए पेट्रोल की मात्रा को मैं रख लूंगा वाई अक्ष पर। तो ये हमारा होता है एक अक्ष, इसको भी लिख लेते, आ जाओ इसको भी लिख लेते पहले। ये है हमारा एक अक्ष, बिल्कुल सही जवाब, ये क्या हमारा एक अक्ष है, और ऊपर के साइड आता है हमारा वाई अक्ष। क्या आ चुका, ये आ चुका वाई अक्ष, बिल्कुल सर यहां तक की भी कहानी क्लियर है। चलो मैं मात्र एक ही क्वेश्चन को एकदम डीपली बताने वाला हूं, इसके बाद तीन और प्रश्न आएंगे, उसको हम थोड़ा सा स्पीड करने वाला है, तो इस क्वेश्चन को आपको अच्छे से समझना पड़ेगा, ठीक है। यहां पर देखो मैंने कहा है कि एक अक्ष में रखो पहले वाले मान को, यानी को हमें रखना है दिन को, किसको दिन को। देखो तो यहां पर मैंने लिखा दिन, फिर यहां पर आपको ये लगा देना एरो का निशान, यानी कि ये रिप्रेजेंट करता है कि हम दिन को एक अक्ष में रखने वाले हैं। दिन को कहां पर रखेंगे, एक अक्ष में रखेंगे, बिल्कुल रख देंगे। और वाई अक्ष में किसको रखेंगे, तो बचे हुए पेट्रोल की मात्रा को, बिल्कुल लिख देंगे यहां पर। देखो तो ये हो जाएगा बचे हुए पेट्रोल की मात्रा, और जो बचे हुए पेट्रोल की मात्रा है वो किस में दिया गया है, लीटर में, तो यहां पर चिपका दो लीटर में, बिल्कुल सही जवाब, ये हो चुका लीटर में। यहां तक की कहानी पूरा अच्छे से क्लियर है सर, बिल्कुल। देखो अब दिन 1 2 3 4 5 अधिकतम मान कितना दिया गया, 5 तक दिया गया, और सभी के सभी धन में है, तो आओ ना बैठे क्यों, इसको लिखते हैं। ये हो जाएगा यहां पर एक, यहां हो चुका एक, हो चुका देखो एक सेकेंड, चलो आ जाओ देखो दूसरे कलर से लिखता हूं ताकि आपको पूरा एकदम क्लियर अच्छे से दिख जाए। देखो ये हो चुका हमारा एक नंबर, फिर ये हो चुका हमारा दो नंबर, ये हो चुका हमारा तीन नंबर। सभी जगह जो है वो दूरी हमेशा बराबर रखना, डिस्टेंस इक्वल होनी चाहिए। 1 2 3 यहां पर मैं ले लूं क्या, 4 को ले लिए, यहां पर ले लेते हैं 5 को ले लिए, बिल्कुल 5 ले लिए। अब देखो यहां पर क्या बचे हुए पेट्रोल की मात्रा में 4 3 2 1 0, तो हम 4 से थोड़ी स्टार्ट करेंगे, हम स्टार्ट कहां से करते हैं, 0 0 के बाद 1 1 के बाद 2, तो कहां तक चलना में अधिकतम मान क्या है, अधिकतम मान क्या है 4 है, तो रखो ना, आओ रखो रखो, देखो ये हो जाएगा 1, एक हो गया, ये हो गया 2, ये हो चुका हमारा 3, और ये चलो यहां पर आ चुका 4। यहां तक की कहानी सर पूरा का पूरा एकदम अच्छे से क्लियर, बिल्कुल। अब यहां पर इतना करते ही आपका एक महत्वपूर्ण काम यहां पर याद आता है, क्या, पैमाना लिखना। क्या लिखना बच्चों, पैमाना लिखना। अगर ये क्वेश्चन 4 नंबर के लिए आएगा ना, तो एक नंबर जो है आपका वो पैमाना में रहता है, अगर आप पैमाना लिखे भूले तो आपका एक नंबर कट जाएगा, बिल्कुल पैमाना लिखेंगे। तो एक अक्ष के लिए अलग पैमाना और वाई अक्ष के लिए हम अलग पैमाना लिखेंगे। सबसे पहले मैं बात करूंगा एक अक्ष के लिए, किसके लिए, एक अक्ष के लिए। देखो तो यहां पर मैं लिखूंगा एक अक्ष का पैमाना क्या होगा, देखो एक अक्ष का एक जो बड़ा खाना होता है, एक जो बड़ा खाना है, देखो अलग अलग खाने बने हुए हैं, तो एक जो बड़ा खाना होता है, एक अक्ष का एक बड़ा खाना, एक बड़ा खाना, ये किसके बराबर है। चलो अब इसको मैं आपको समझाता हूं। देखो तो एक अक्ष में हम किसको रख रहे हैं, दिन को रख रहे हैं, और सब एक, देखो एक के बाद दो, दो के बाद तीन, तीन के बाद चार, चार के बाद पांच, ऐसे चलते जा रहा है, एक एक के गैप में चलते जा रहा है, और ये कौन सा दिन के लिए ले रहे हैं, तो हम एक बड़ा खाना बराबर क्या रखेंगे, एक दिन। क्या हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा एक दिन हो जाएगा। बोलो यहां तक की बात क्लियर है, बिल्कुल सर क्लियर। इसी प्रकार से हम वाई अक्ष के लिए करेंगे, तो वाई अक्ष का जो एक बड़ा खाना होगा, वाई अक्ष का एक बड़ा खाना, एक बड़ा खाना,
अब वाई अक्ष का एक बड़ा खाना हमें क्या बताएगा? देखो यहां पर, देखो जीरो के बाद एक, एक के बाद दो, दो के बाद तीन, तीन के बाद चार, ऐसे हम आगे की ओर जा रहे हैं। कितने कितने का अंतर चल रहा है? एक एक का अंतर चल रहा है। और यहां पर हम किसको रखे हुए हैं? बचे हुए पेट्रोल की मात्रा। तो यहां पर जब हम लेंगे, देखो तो यहां पर जब हम लेंगे एक बड़ा खाना बराबर, एक बड़ा खाना बराबर क्या होगा? एक लीटर होगा, क्योंकि एक एक के अंतराल में चल रहे हैं और इसकी यूनिट क्या दी गई है? लीटर में। तो ये क्या हो जाएगा? एक लीटर। एक बड़ा खाना बराबर क्या हो जाएगा? एक लीटर हो जाएगा। यहां तक की बात क्लियर है कि सर? बिल्कुल अच्छे से क्लियर है। अब देखो आ जाओ प्रश्न पर वापस आते हैं। और क्या बोला गया था? तो दिन, पहले दिन में चार लीटर का पेट्रोल बचत हुआ है। पहले दिन में कितना पेट्रोल बचा होगा? चार। तो ये है पहला दिन। ये देखो, ये हमारा आ गया पहला दिन। देखो ये पहला दिन, ये आ गया पहला दिन। पहले दिन में कितना पेट्रोल बचा है? चार लीटर पेट्रोल। यहां पर ये आ चुका। अब चार को हम एक अक्ष के समांतर बढ़ाएंगे और एक को हम वाई अक्ष के समांतर ऐसे आगे की ओर बढ़ाएंगे। मैं क्या बोल रहा हूं, देखो इस बात को समझना, अच्छे से समझना। चार को हम एक अक्ष के समांतर बढ़ाएंगे कुछ इस प्रकार से, डॉटेड लाइन से। देखो ये यहां पर ज्यादा लंबा बढ़ाने की जरूरत नहीं है, ये यहां तक मैंने बढ़ाया। अब एक को भी हम आगे की ओर ऐसे डॉटेड लाइन से बढ़ाएंगे। तो मान लेते हैं कि यहां पर आया हुआ, कहां पर आया हुआ? एकदम नाप के करना, स्केल से, एकदम नाप के स्केल से करना हुआ, ठीक है। चलो अब क्या करेंगे, देखो अब क्या करेंगे, ये वाला बिंदु और ये वाला जो बिंदु, दोनों को हम ऐसे मिला देते हैं। बिल्कुल सर, हमने मिला दिया, बिल्कुल हमने क्या किया, दोनों को मिला दिया। तो इस बिंदु का निर्देशांक क्या होगा? इस बिंदु का निर्देशांक, पहले हम एक अक्ष का मान रखते हैं और एक अक्ष का मान क्या है? चलो बोलो, ये क्या है? एक है। तो ये हुआ एक। फिर कॉमा करके हम वाई अक्ष का मान रखते हैं, तो वाई अक्ष का मान क्या है? देखो यहां पर आया हुआ चार। तो इस बिंदु का निर्देशांक क्या हो गया सर? एक और चार हो चुका। बिल्कुल सही जवाब। वापस अपने प्रश्न पर, टेबल पर देखो। दूसरे दिन में तीन लीटर पेट्रोल बचा हुआ है। तो दूसरा दिन कहां पर है? ये आ गया हमारा दूसरा दिन, यहां पर आ चुका हमारा दूसरा दिन। देखो ये दूसरा दिन, दूसरे दिन में कितने लीटर पेट्रोल बचा है? तीन लीटर। तो ये देखो ये तीन, तो तीन को हम एक अक्ष के समांतर बढ़ाएंगे और दो को वाई अक्ष के समांतर आगे की ओर बढ़ाएंगे। तो इसको मैं डॉटेड लाइन से ये इस प्रकार से मैं बढ़ाने जा रहा हूं, बढ़ा दिया। देखो अब हम दो को वाई अक्ष के समांतर बढ़ाएंगे, ऊपर की ओर बढ़ाएंगे। तो देखो ये कुछ इस प्रकार से मैं मिलाऊंगा, अगर बढ़ाऊंगा इसको तो यहां पर मुझे मिल जाएगा इन दोनों का कटान बिंदु। फिर मैं इन दोनों बिंदुओं को बड़े आराम से ऐसे मैंने स्केल की सहायता से आप लोग मिला सकते हैं सर। बिल्कुल मिला दिया, बिल्कुल यहां तक की कहानी क्लियर है। बिल्कुल सर क्लियर है। अब इस बिंदु का निर्देशांक क्या होगा? तो एक अक्ष का निर्देशांक क्या है? दो है। तो यहां पर चिपकाओ, दो को चिपकाया सर, दो को। फिर वाई अक्ष का निर्देशांक क्या है? तीन है। बिल्कुल तीन को चिपकाओ, चिपका दिए। देखो ये हमारा बन चुका, ठीक है। चलिए वापस आइए टेबल पर। तीसरे दिन में कितना पेट्रोल बचा हुआ है? दो लीटर। तीसरे दिन में दो लीटर। तो दिन कहां पर आया? ये यहां पर। तीसरे दिन बचे हुए पेट्रोल की मात्रा क्या है? दो है। तो यहां पर ये आया दो। दो को बढ़ाओ आगे की तरफ, दो को हम आगे की तरफ बढ़ाते एक अक्ष के समांतर। ये देखो मैंने डॉटेड लाइन से आगे बढ़ाया। तीन को हम आगे की ओर बढ़ाएंगे तो मान लेते हैं कि हमें यहां पर मिल जाएगा। कहां पर मिल गया? यहां पर मिल गया। दोनों को फिर से मिला देते हैं। देखो ये मिला दिया मैंने, दोनों को मिला दिया। बस मिलाना है और कुछ भी नहीं करना, बस मिलाना है। मिलाने के नंबर भाई फ्री का नंबर है, फ्री का नंबर। आ जाओ आ जाओ। तो इस बिंदु का निर्देशांक क्या होगा? तो एक अक्ष का निर्देशांक क्या है? तीन है। और वाई अक्ष का निर्देशांक क्या है? दो है। तो दो चिपकाए पर चिपका दिए सर। बिल्कुल यहां तक की भी कहानी अच्छे से क्लियर है। फिर आओ टेबल पर। फिर क्या है? चौथे दिन में एक लीटर पेट्रोल बचा हुआ है। तो दिनों की संख्या में आते हैं तो चौथा दिन और कितना पेट्रोल बचा हुआ? तो एक लीटर। तो यहां पर आ चुका ये एक लीटर। बिल्कुल सर यहां तक की भी कहानी क्लियर है। अब एक को हम आगे की ओर बढ़ाते हैं। चलो बढ़ाओ, बिल्कुल आराम से बढ़ाना, डॉटेड लाइन से बढ़ाना, स्केल से नाप कर करना, एकदम सीधी लाइन। मैंने एक को आगे की ओर बढ़ाया, अब हम चार को आगे की ओर बढ़ाएंगे तो मान लेते हैं कि हमें इन दोनों का कटान बिंदु यहां पर मिल चुका। दोनों को फिर से ज्वाइन करा देते हैं। आ जाओ मिला दो, ये मैंने मिला दिया। बिल्कुल सर यहां तक की भी कहानी क्लियर है। अब इस बिंदु का निर्देशांक क्या होगा? तो एक अक्ष का निर्देशांक क्या? चार है। और वाई अक्ष का जो निर्देशांक है वो एक है। बिल्कुल यहां तक चार एक बन चुका सर। बिल्कुल लास्ट में क्या दिया था? पांचवें दिन में शून्य लीटर पेट्रोल बचता है। शून्य लीटर पेट्रोल बचता है, मतलब कुछ भी नहीं बचता है। तो पांचवा दिन, दिनों की संख्या क्या है? पांच है। ये आ चुका पांच, ये यहां पर आ चुका पांच। कितना लीटर पेट्रोल बचा है? शून्य, कुछ भी नहीं बचा है। तो कुछ भी नहीं बचा मतलब कि मूल बिंदु यहां पर आएगा। तो इन दोनों को अब मिलाने की जरूरत नहीं है, ये ऑलरेडी मिला हुआ है। तो हमें यहां पर इसका बिंदु प्राप्त होगा जिसका निर्देशांक क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा पांच। और वाई अक्ष का जो निर्देशांक है क्या है? जीरो है। तो ये कौन से अक्ष में स्थित है? एक अक्ष में स्थित है। बिल्कुल आपका सही जवाब हो जाएगा। तो जितने भी अब आपको बिंदु दिख रहे हैं ना, उसको एक लाइन में खींचकर मिला देना है। स्केल उठाओ, बिल्कुल स्केल उठाओ और इसको मिला दो। कैसे मिलाओगे? देखो एकदम आपको सीधी लाइन मिलने वाली है। सभी बिंदु एक ही लाइन पर आएंगे, देखना सभी बिंदु। अगर आपने अच्छे से बनाया हुआ है तो सभी जो बिंदु है वो एकदम एक ही लाइन पर मिलने वाले, कुछ इस तरह से। बहुत बेहतरीन, बहुत गजब का दिख रहा है। देखो ये देखो, आजा
तो अब हमें यहां पर एरो का निशान लगाना भी जरूरी है। मैंने लगा दिया ये एरो का निशान, हमारा पूरा चार अंक मिल चुके। हमें जो करना था, जो प्रश्न में कहा गया था, वो पूरा काम हम कर चुके। बस इतना ही आपको काम करना और चार में से चार अंक आपको मिलने वाले। देख ले, कुछ भी नहीं किया है, कुछ भी नहीं किया है। चार मिनट, मात्र चार मिनट लगता है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। चार मिनट में आपको चार नंबर मिलने वाला है। कोई भी फॉर्मूला नहीं, कोई भी आपका कैलकुलेशन वगैरह नहीं। जो डेटा दिए उसी को हमने ग्राफ पर बहुत बेहतरीन तरीके से प्रदर्शित कर लिया। ये हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर। कुछ भी नहीं करना और कुछ भी काम इसमें नहीं करना। फर्स्ट नंबर के क्वेश्चन को पूछा गया था 2020 सेट ए बी सी में, तीनों सेट में पूछा गया था। कुछ नहीं, कुछ भी दम नहीं इस क्वेश्चन में। बड़े आसानी से इसको सॉल्व कर ले। चलिए अब हम बढ़ना चाहेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन, आपके स्क्रीन पर देख लीजिए। देख लो कब पूछा है, 2019 सेट ए बी सी, तीनों सेट में पूछा गया, तीनों सेट में पाते से क्वेश्चन। ठीक है, आ जाओ देखो। चलो अब इस प्रश्न को पढ़ने जाना। देखो, एक्स के विभिन्न मानों के लिए एक्स स्क्वायर का मान ज्ञात करना है। ठीक है, एक्स के विभिन्न मानों के लिए हमें एक्स स्क्वायर का पहले मान ज्ञात करना है। सर बिल्कुल ज्ञात कर लेंगे। एक्स और एक्स स्क्वायर के मानों के बीच, एक्स और एक्स स्क्वायर के मानों के बीच एक आरेख बनाना, एक हमें ग्राफ बनाना है, जहां पर बोला गया कि एक्स का जो मान है वो ऋण चार से लेकर धन चार के पूर्णांक के बीच में है। ऋण चार से लेकर धन चार के बीच में किसका मान है, एक्स का मान है। और एक्स का मान हम जब पता है तो हम उसका वर्ग कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, एक्स का वर्ग का मान मिल जाएगा। बिल्कुल सर निकालेंगे। देखो देखो देखो, चलो यहां पर एक्स दिया गया है। देखो मैंने पहले से ही मैंने टेबल बना लिया। यहां पर आप लिखेंगे हल, फटाफट क्या करेंगे, एक टेबल बना लेंगे। क्या बनाएंगे, एक टेबल बना लेंगे। उसके बाद देखो यहां पर मैंने दो पंक्ति ली हुई, पहले पंक्ति में एक्स और दूसरे में क्या है, एक्स स्क्वायर। अब एक्स का मान क्या रखेंगे, तो एक्स का मान यहां पर दिया गया है ऋण चार से लेकर धन चार तक। तो ऋण चार यहां पर लिखो, फिर ऋण चार के बाद क्या आएगा, ऋण तीन आएगा, फिर यहां पर आ जाएगा ऋण दो, फिर यहां पर आ जाएगा ऋण एक, फिर जीरो। कहां तो चलना, धन के चार की तरफ। तो यहां पर ये हो चुका एक, धन एक को लिखने की जरूरत नहीं होती, एक को लिखने की जरूरत नहीं है, सॉरी धन को लिखने की जरूरत नहीं, एक को तो लिखेंगे, धन को लिखने की जरूरत नहीं है। दो को चिपकाओ, तीन को चिपकाओ और यहां पर चार को चिपका, चिपका दिए सर। बिल्कुल नीचे में क्या बना हुआ, एक्स स्क्वायर है, तो एक्स का जो भी माना है उसका कर देंगे स्क्वायर, वर्ग कर देंगे। तो मैं अगर आप लोगों से पूछूं कि ऋण चार का हम वर्ग करेंगे तो क्या आएगा, सर पहले हम ऋण का काम तमाम करते हैं। तो ऋण के घात में आपको दिख रहा है दो, दो क्या है, सम संख्या है। जब भी आधार में ऋणात्मक हो और घात में सम संख्या, उसका रिजल्ट धनात्मक में ही आता है। सम है, घात में सम है, मतलब कि धन में ही आएगा। चार का वर्ग किसको नहीं आता, किसको चार का वर्ग करने आता, सोलह होता है, चार सौ क्या होता है, सोलह होता है। तो यह धन में आएगा कि ऋण में आएगा, धन में आने वाला है। धन का यह हो चुका सोलह सर, बिल्कुल यह सोलह हो चुका। इसी प्रकार से हम ऋण तीन का वर्ग करेंगे तो धन में आएगा, तीन का वर्ग करेंगे तो यह हो जाएगा नौ, ऋण दो का वर्ग करेंगे तो यह हो जाएगा चार, ऋण एक का वर्ग करेंगे तो एक ही आएगा, जीरो का वर्ग करेंगे तो जीरो ही आएगा, एक का वर्ग करेंगे तो एक आ चुका, दो का वर्ग करेंगे चार हो जाएगा, तीन का वर्ग करेंगे तो नौ हो जाएगा, और हम चार का वर्ग करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, बिल्कुल सर सोलह मिल जाएगा। यहां तक की कहानी अच्छे से क्लियर है। यह पहला काम हुआ जहां पर बोला गया था कि एक्स के विभिन्न मानों के लिए एक्स स्क्वायर का मान ज्ञात कर लेना है। हमने अच्छे से ज्ञात कर लिया, फटाफट ज्ञात कर लिया। देखो फिर क्या बोला था, एक्स और एक्स स्क्वायर के मानों के बीच एक आरेख खींचना है। तो हम एक्स को एक्स अक्ष पर रख लेंगे और एक्स स्क्वायर को हम किस पर रख लेंगे, वाई अक्ष पर रख लेंगे। यहां पर टेबल को देखने पर एक बात समझ में आ रही सर, कि इसमें ऋणात्मक वाली भी संख्या है और धनात्मक वाली भी संख्या है, मतलब कि हमें ऋण की तरफ भी काम करना है और धन की तरफ भी काम करना है। तो हमारा ग्राफ अब कैसे बनेगा, देखो आ जाओ। बिल्कुल तो बिल्कुल ग्राफ बनाने के लिए क्या करना है, सबसे पहले आपको दो लाइनें बनाना है, दो लाइनें बनाना है। आ जाओ दो लाइन बनाते, देखो ये देखो दूसरे कलर से करता हूं, आ जाओ। तो पहले हम क्या करेंगे, क्षैतिज लाइन बनाएंगे, क्षैतिज अक्ष बनाते हैं। देखो यहां पर मैंने क्षैतिज लाइन बना दिया। अब इसके बाद क्या करेंगे, हम बनाएंगे ऊर्ध्वाधर अक्ष। देखो यहां पर मैं बनाने जा रहा हूं ऊर्ध्वाधर अक्ष, देखो यहां पर देखो ये ऊर्ध्वाधर अक्ष मैंने बना दिया। ठीक है, अब हमें पता है कि ये जो लाइनें हैं वो जिसकी लंबाई कितनी होती है, अनंत तक होती है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले ये एरो का निशान लगा देना है। ये हमारा एक अक्ष हुआ, इधर हमारा क्या हो जाएगा, एक डेस अक्ष हो जाएगा। बिल्कुल सही जवाब, इसके बारे में हमने ऑलरेडी डिस्कशन कर लिया ना निर्देशांक ज्यामिति में। अगर निर्देशांक ज्यामिति के जितने भी क्वेश्चन मैंने आपको करा है, कॉन्सेप्ट क्लियर है, तो बिल्कुल ये क्वेश्चन जो आपके लिए एकदम हलवा होने वाला है, कोई दम नहीं इसमें। तो ये क्या हो जाएगा, इधर हो जाएगा हमारा वाई अक्ष, बिल्कुल लिख दो वाई अक्ष हो चुका, ये वाई अक्ष। अब इधर क्या हो जाएगा, ये हो चुका वाई डैश अक्ष,
वाइड इज अक्षा, ये क्षैतिज रेखा और ये ऊर्ध्वाधर रेखा दोनों के कटान बिंदु को हम क्या कहते हैं, मूल बिंदु कहते हैं। बिल्कुल सही जवाब, ये हो चुका मूल बिंदु जिसका निर्देशांक होता है 0 0 और इसको हम ओ से प्रदर्शित करते हैं। बिल्कुल सर, अब चलिए देखो यहां पर बोला गया था कि 100 और 100 स्क्वायर के बीच हमें क्या बनाना है, ग्राफ बनाना है। तो मैं क्या करूंगा, 100 के सभी मानों को किस पर रखूंगा, मैं 100 अक्ष पर रखूंगा, इस तरफ रखूंगा। तो मैं यहां पर लिख लेता हूं 100 और 100 स्क्वायर के मानों को हम कहां पर रखेंगे, y अक्ष पर रखेंगे। तो यहां पर मैंने लिख दिया 100 स्क्वायर और इसको हम y अक्ष पर प्रदर्शित करने वाला। सर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अब 100 का जो मान है वो ऋण में भी है और धन में भी है। अब हमें पता है कि केंद्र से अगर हम उधर चलते हैं, राइट हैंड साइड में चलते हैं, तो सभी जो मान होते हैं वो कहां कैसे आते हैं, धनात्मक में आते हैं। ये 0 हुआ तो 0 के बाद 1 2 3 4 दिया गया, धन के 4 तक दिया गया। चलो इसको चिपकाओ, ये क्या हो जाएगा, देखो देखो ये क्या हो जाएगा। तो यहां पर ये हो चुका 1, यहां पर हो जाएगा 2, यहां पर ये हो चुका 3 और यहां पर ये हो चुका 4। बस 4 तक का इसको ब्रेक कर देना। उसके बाद एक से अक्ष में ही देखे ऋण 2 ऋण 3 ऋण 4 भी दिया गया। तो हम केंद्र से अगर लेफ्ट हैंड साइड में आगे की ओर बढ़ेंगे तो सभी जो संख्याएं मिलती है वो ऋणात्मक में मिलती है। यहां तक की बात क्लियर सर। तो 0 के बाद हम कहां पर पहुंचे, ये ऋण 1 पर पहुंचे, दूरी सब जगह बराबर होनी चाहिए। तो हम नाप करेंगे, ये हो जाएगा -1, फिर ये हो जाएगा -2, फिर ये हो जाएगा -3 और यहां पर हमारा आ चुका -4। यहां तक की बात क्लियर है सर, बिल्कुल क्लियर है। अब देखो वापस आओ टेबल पे। तो टेबल पर हम देखने पर पता चल रहा है कि 100 स्क्वायर का जो मान है वो अधिकतम कितना है, 16 है। कितना बच्चों, 16 है। अगर मैं 1 से स्टार्ट करूंगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 16 तक जाऊंगा तो मेरे बोर्ड ही छोटा पड़ जाएगा, नहीं बोर्ड ही छोटा पड़ जाएगा, आपकी कॉपी छोटी पड़ जाएगी। तो अब क्या करें इस सिचुएशन में, क्या करें देखो, तो इस सिचुएशन में हम क्या करेंगे पता है, हम दो दो के अंतराल में काम करेंगे और उसको हम स्केल पर लिख देंगे। एक बड़ा खाना को हम 2 सेंटीमीटर के बराबर रखेंगे, एक बड़े खाने को हम 2 सेंटीमीटर के बराबर रखेंगे, यानी कि दो दो को हम गैप करेंगे। रीजन समझ में आएगा, क्योंकि हम दो दो का गैप क्यों कर रहे हैं, क्योंकि अगर हम 16 तक, 1 से लेकर 16 तक मैं अगर खींचूंगा लाइन तो एक ग्राफ जो बहुत बड़ा बन जाएगा, बहुत बड़ा बन जाएगा। हमें छोटे जगह पर ही ग्राफ को बढ़ाना रहता है, ठीक है। तो कैसे करेंगे देखो, दो दो का अंतराल लेंगे। देखो यहां पर यह हो चुका 1, एक नहीं करेंगे दो करेंगे, डायरेक्टली दो करेंगे। अब एक कहां पर आएगा, तो 0 और 2 के बीच में कहीं पर आया होगा 1, हम उसको लिखने की जरूरत नहीं समझते, ठीक है। चलो फिर 2 के बाद हम अंतराल लेंगे 2 का, ये हो जाएगा 4, फिर ये हो जाएगा 6, हो चुका बिल्कुल, ये हो चुका हमारा 8, ये हो चुका हमारा 10, ठीक है। थोड़ा सा आगे करते हैं, ये हो चुका 10, फिर ये हो चुका 12, फिर ये हो चुका 14, क्या हो चुका 14। इसको और थोड़ा आगे क्यों बढ़ाएंगे तो हमें मिल जाएगा 16। चलो इसको मैं थोड़ा सा और आगे क्यों बढ़ाता हूं, यहां पर चलो देखो, यहां पर थोड़ा ग्राफ को आगे की ओर बढ़ा लेना है, ये देखो, चलो आ जाओ एक सेकंड। हाँ मैंने ग्राफ को थोड़ा और आगे बढ़ाया और मान लेते हैं कि यहां पर आया हुआ 16, कहां पर आया, यहां पर आया हुआ 16। यहां तक की बात क्लियर है कि सर बिल्कुल क्लियर है। अब देखो हमने पैमाना यहां पर लिया हुआ है, उस पैमाना को लिखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। यहां पर पैमाना करके हम लिखेंगे, देखो पैमाना, तो पैमाना सबसे पहले हम लिखेंगे 100 अक्ष के लिए, किसके लिए, 100 अक्ष के लिए। तो 100 अक्ष का पैमाना क्या होगा, एक बड़ा खाना बराबर, या एक बड़ा खाना बराबर किसके बराबर है, 1 सेंटीमीटर के बराबर लेंगे, क्योंकि यहां पर कोई भी यूनिट नहीं दिया गया है और हमें पता रहता है कि ग्राफ में जो भी यहां पर डिस्टेंस रहती है ना वो सब 1 1 सेंटीमीटर के बराबर होता है। तो 100 अक्ष में एक बड़ा खाना, एक खाना बराबर हम लिख सकते हैं, एक खाना बराबर 1 सेंटीमीटर लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, 1 सेंटीमीटर लिख सकते हैं सर। बिल्कुल हमने यहां पर 1 सेंटीमीटर लिख दिया, यहां तक ही क्लियर है। फिर y अक्ष के लिए हमने क्या लिया हुआ है, तो y अक्ष का एक बड़ा खाना, एक खाना बराबर, एक जो बड़ा बॉक्स है किसके बराबर है, तो कितने कितने का अंतर चल रहा है, देख लो दो दो का अंतर चल रहा है। तो बिल्कुल सही जवाब आपका ये हो जाएगा 2 सेंटीमीटर, क्या हो जाएगा, 2 सेंटीमीटर हो जाएगा सर। बिल्कुल यहां तक की कहानी अच्छे से क्लियर है। अब देखो यहां पर आते हैं, देखो तो देखो यहां पर क्या दिया हुआ था, हम 0 से स्टार्ट कर लेते हैं, कहां से स्टार्ट कर लेते हैं, 0 से स्टार्ट कर लेते हैं, ठीक है। चलो खैर आप यहां से भी स्टार्ट कर सकते हो, खैर यहीं से कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, कहीं से भी करो, यहीं से कर लेते हैं। देखो 100 अक्ष का जो मान क्या है, ऋण का 4 है, तो ऋण का 4 अब किधर आएगा, तो ऋण का 4 किधर आएगा, इस तरफ चलेंगे तो धन का 4 आता है, तो यहां पर हम चलेंगे तो हमें मिल जाएगा ऋण का 4, कहां पर मिला, यहां पर मिला ऋण का 4 मिला। तो y अक्ष का मान क्या है, 16 है, क्या है, 16, धन का 16, तो धन का 16 यहां पर आया हुआ है। तो 16 को हम इस तरफ आगे की ओर बढ़ाएंगे 100 अक्ष के समांतर, देखो एकदम सीधी लाइन, स्केल से करना आपको एकदम सीधी लाइन मिलने वाली है, देखो कुछ इस प्रकार से, ये देखो ये देखो ये ऐसे,
ठीक है, कहां तक लेना है, चार के सीट तक कम से कम लेना है इसको यहां पर। अब चार को भी हम उसी प्रकार से आगे की ओर बढ़ाएंगे वाई अक्ष के समांतर, तो मुझे क्या मिलेगा, देखो मैं ऐसे ही इसको आगे की ओर बढ़ाऊंगा तो मान लेते हैं कि यहां पर हमें मिला, कहां पर, यहां पर मिला हुआ है, दोनों को हम मिला देते हैं। आ जाओ मिला दो, ये मिला दे सर, बिल्कुल मिला दिया, थोड़ा सा ये टेढ़ा बन चुका है, इसको थोड़ा हम सीधा कर सकते हैं क्या, बिल्कुल कर दिया, देखो ये हो गया, हो गया ये, चलो। हाँ, तो इस बिंदु का अब निर्देशांक क्या हो जाएगा, तो इस बिंदु का एक्स अक्ष का मान क्या है, ऋण का चार है, और वाई अक्ष का मान क्या है, धन का सोलह, धन का सोलह चिपका, चिपका दिया सर, बिल्कुल चिपका दिया। फिर ऋण तीन में नौ है, एक्स अक्ष का मान क्या है, ऋण तीन है, और वाई अक्ष का मान क्या है, नौ, नौ दिख रहा है ना, ऋण तीन और नौ, तो ऋण तीन यहां पर आया, यहां पर ऋण तीन आया, फिर नौ, नौ कहां पर आएगा, देखो तो दस और आठ के बीच में कहीं पर आएगा, यहां पर आया, मान लेते हैं कि नौ, नौ यहां पर आया, तो नौ को हम आगे की वो डॉटेड लाइन से कुछ इस प्रकार से मिलाएंगे, देखो मैं मिलाने जा रहा हूं, ये मिला दिया। अब तीन को हम ऐसे मिलाएंगे, ऐसे आगे की बढ़ाएंगे वाई अक्ष के समांतर, तो हमें यहां पर मिल चुका, यहां यहां पर दोनों को मिला देते हैं, बिल्कुल मिला देते हैं, ये दोनों को मिला दिया, तो इस बिंदु का निर्देशांक हम लिखना चाहेंगे, जो कि क्या बनेगा, इस बिंदु का निर्देशांक क्या बनेगा, यहां पर लिख लेता हूं, तो एक्स अक्ष का मान क्या था, ऋण का तीन था, और वाई अक्ष का जो मान है वो नौ है, यहां पर मैंने लिख दिया नौ, बिल्कुल सर सही जवाब। फिर क्या था, वापस आए तो ऋण दो और चार, तो ऋण दो यहां पर आया, एक्स अक्ष का मान क्या है, ऋण दो है, और वाई अक्ष का मान क्या है, चार है, ये यहां पर आया चार, तो चार को हम आगे की ओर बढ़ाएंगे, ये मैंने आगे की ओर बढ़ाया एक्स अक्ष के समांतर, हम ऋण दो को भी आगे की ओर बढ़ाएंगे कुछ इस प्रकार से ऊपर की ओर, हमें यहां पर इन दोनों का कटान बिंदु मिल चुका। चलो दोनों को हम मिला देते हैं, ये मैंने मिला दिया, दोनों को क्या किया, मिला दिया, देखो तो अब इस बिंदु का निर्देशांक क्या होगा, एक अक्ष का निर्देशांक क्या है, ऋण दो है, और वाई अक्ष का जो निर्देशांक है वो चार है सर, बिल्कुल सही जवाब। ठीक है चलिए, उसके बाद क्या था, ऋण एक और एक था, तो हमें पता है कि यहां पर आया हुआ ये ऋण एक क्या है, ये ऋण एक है, और एक धन का एक है, तो शून्य और दो के बीच में यहां पर मान लेते कि आया हुआ एक, इसको हम आगे की ओर ये इस प्रकार से मैंने बढ़ाया, और इसको आगे की ओर बढ़ाऊंगा तो मुझे इन दोनों का कटान बिंदु यहां पर मिल जाएगा, दोनों को मैं ऐसे मिला देता हूं, चलो बिल्कुल मिला दिया। ठीक है, तो इस बिंदु का अब निर्देशांक क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ऋण का एक और ये धन का एक, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, हमने इन दोनों को भी मिला दिया। वापस आइए अपने टेबल पर, फिर से वही कहानी, वही कहानी, देखो अब जो मान लेंगे एक सका वो सभी के सभी किसमें है, धन में है, धन का मान है, और वाय का मान भी किसमें है, धन में है, तो एक्स का मान जब हम एक लेंगे, देखो एक्स का मान जब हमने एक लिया तो वाई का मान क्या आया हुआ, ये भी धन का एक है, तो धन का एक यहां पर आया है, इसको मैं इस साइड आगे की ओर बढ़ाया और इसको मैं इस साइड आगे की ओर बढ़ाया, तो मुझे इन दोनों का कटान बिंदु यहां पर मिल चुका, कहां पर, ये यहां पर मिल चुका, बिल्कुल सर सही जवाब। अब इसका निर्देशांक क्या बनेगा, तो इसका निर्देशांक क्या बनेगा, ये एक्स अक्ष का निर्देशांक क्या है, एक है, और वाई अक्ष का निर्देशांक भी क्या, एक है, एक एक हो जाएगा। उसके बाद देखो फिर दो और चार, दो और चार को मिलाना पड़ेगा, आ जाओ दो और चार को मिलाते हैं, तो ये रहा हमारा दो और ये रहा हमारा चार, दोनों को आगे की ओर बढ़ाते हैं, देखो मैंने इसको आगे की ओर बढ़ाया और इसको जब हम आगे की ओर बढ़ाएंगे तो मान लेते हैं कि यहां पर हमें मिलेगा कटान बिंदु, दोनों को ऐसे हम ज्वाइन करा देते हैं, मिला देते हैं सर, मिला दिया, मिल गया। चलो फिर क्या था, देखो फिर क्या था, तीन और नौ, तीन और नौ को मिलाना, ये रहा हमारा तीन, ये रहा हमारा तीन, और नौ कहां है, देख लो ये यहां पर आठ और दस के बीच में आएगा ये नौ, तो नौ को हम आगे की ओर ऐसे डॉटेड लाइन से बढ़ाएंगे, आगे की ओर बढ़ा दिया, और तीन को अगर हम डॉटेड लाइन से आगे की ओर बढ़ाएंगे तो मान लेते कि यहां पर आया हुआ है। अब दोनों को हम मिला देते हैं, ये हमें मिल चुका, ठीक है, ये हमने दोनों को मिला दिया। देखो अब इस बिंदु का निर्देशांक अगर मैं लिखूंगा तो एक्स अक्ष का निर्देशांक क्या है, तीन है, और वाई अक्ष का जो निर्देशांक है क्या है, नौ है। उसी प्रकार से इस बिंदु का निर्देशांक क्या हो जाएगा, एक्स अक्ष का जो निर्देशांक क्या था, यहां पर ये था दो, और वाई अक्ष का क्या था, चार है, बिल्कुल दो चार बन चुका, एक और बच चुका, चार और सोलह, ये हुआ चार हमारा, ये क्या हुआ चार, और सोलह कहां पर गया, सबसे लास्ट में देखो ये सोलह, तो सोलह को हम आगे की ओर बढ़ाएंगे, देखो ये मैंने डॉटेड लाइन से इसको आगे की ओर बढ़ाया, चार को आगे की ओर बढ़ाएंगे तो हमें यहां पर मिलेगा, कहां पर, ये यहां पर, दोनों को चलो मिला देते हैं, देख लो ये देखो दोनों को मिला दिए। अब देखो अब हम क्या करेंगे, अब हमारा अंतिम काम बच चुका है, अब जितने भी हमें बिंदु यहां पर मिले हुए थे ना, जितने भी कटान बिंदु मिले हुए थे, सबको हम मिलाना चाहते, बस मिला देना है। देखो कैसे मिलाएंगे, तो इन दोनों को मैं मिला दिया सर, बिल्कुल कहानी यहां तक क्लियर है। फिर इन दोनों को मैं मिला देता हूं, मिला देते हैं बिल्कुल। फिर हम क्या करेंगे, इसको इसके साथ मिला देते हैं सर, मिला देते हैं। फिर हम क्या करेंगे, इसको हम इसके साथ मिला देते हैं सर, बिल्कुल ये देखो मिला दिया, सबको मिला दिया। उसी प्रकार से हम इस साइड को भी मिला देंगे, देखो यहां पर मैं इन दोनों को मिला देता हूं, मिला दिए ये मिल गया। फिर हम क्या करेंगे, इन दोनों को मिला देते हैं सर, मिला दिए। फिर हम क्या करेंगे, इसको मिला देंगे इसके साथ, ठीक है। चलो थोड़ा सा
अच्छे से समझाना है, थोड़ा सा टाइम भले ले लेना है, लेकिन एकदम सही से स्केल से करके करना भैया, स्केल से करके देखो इन दोनों को मिला दिया। फिर मैं क्या करूंगा, इन दोनों को ऐसे में मिला दिया, देखो हमारा ग्राफ कंप्लीट हो चुका है। जो हमें कहा गया था कि 100 और 100 स्क्वायर के मध्य ग्राफ बनाना है, हमने दोनों के बीच में प्यारा सा बेहतरीन तरीके से ग्राफ बना लिया है। ये हो चुका हमारा फाइनल आंसर जो आपको 4 में से 4 अंक दिलाने वाला है। बहुत खूबसूरत सा नजर आ रहा है हमारा ग्राफ, देख लो इतना ही काम करना है और आपको 4 में से 4 अंक मिलने वाला है। कुछ भी नहीं करना, बस कुछ भी कैलकुलेशन वगैरह, कुछ भी फॉर्मूला वगैरह रटने की जरूरत नहीं है, बस ग्राफ को देखना है, अच्छे से पढ़ना है। एक बार आपने अच्छे से पढ़ लिया तो बिल्कुल आपको जिंदगी भर पढ़ने की जरूरत नहीं पड़नी। बोनस नंबर है, 4 नंबर बोनस नंबर मिलने वाला है आपको, बिल्कुल सही है। चलो अब हम बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की, और अगला जो हमारा क्वेश्चन है प्रश्न क्रमांक 3, इसी से संबंधित एक और प्रश्न लिए हुए हैं प्रश्न क्रमांक 4। तो प्रश्न क्रमांक 4 को मैं नहीं कराऊंगा, प्रश्न क्रमांक 4 ये आप लोगों का होमवर्क रहेगा। प्रश्न क्रमांक 3 और प्रश्न क्रमांक 4 दोनों एज इट इज है, दोनों को हल करने का तरीका एक ही है, एक ही फॉर्मेट है। हम एक क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, एक क्वेश्चन आपका होमवर्क रह जाएगा। चलो तो प्रश्न क्रमांक 3 को मैं बताने वाला हूं, देखो चलिए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। अब थोड़ा सा स्पीड करेंगे, थोड़ा सा स्पीड कर, देखो वर्गों की भुजा की माप एवं उन वर्गों के परिमाप को नीचे किस सारणी में दर्शाया गया है। सारणी के आंकड़ों से आलेख बनाना है, हमें एक टेबल के फॉर्म में क्वेश्चन दिया गया भैया, अब इसको ग्राफ पर प्रदर्शित करना, ये पूछा गया था 2017 सेट एबीसी, बिना किसी टाइम वेस्ट के सीधा सीधा आ जाओ अपने ग्राफ पर। पहले हमने लिया ब्लैंक पेज, अब देखो जितने भी मान दिया गया है वो किसमें धनात्मक में है, तो हमारा जो ग्राफ कैसे बनेगा, ग्राफ पहले वाले क्वेश्चन की तरह। देखो देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहां पर बनाएंगे अपना क्षैतिज अक्ष, देखो क्षैतिज अक्ष मैंने बनाया, ठीक है। अब इसी के लंबवत हम बनाएंगे किसको, ऊर्ध्वाधर अक्ष को, ये देखो मैंने ऊर्ध्वाधर अक्ष को भी बना दिया, देखो लाइन एकदम सीधी है, क्या थोड़ा सीधा करते, देखो ये बन गया सीधी लाइन, ठीक है। चलो आ जाओ, अब इतना करते ही आप देख क्या रहे हो, इसको लगाओ एरो का निशान और ये लिखो एक्स अक्ष, बिल्कुल ये एक्स हो चुका। फिर इधर भी लगाओ एरो का निशान, ये हो जाएगा वाई अक्ष का मान, क्या हो चुका ये वाई अक्ष का मान हो चुका। अब ये हमारा हो चुका एक्स डैश अक्ष का मान, खैर इसको लिखने की जरूरत नहीं है, खैर इसको लिखने की जरूरत नहीं, लिखता भी नहीं मैं, क्योंकि हमें निगेटिव चार्ज तो काम करना ही नहीं है। अब इन दोनों के कटान बिंदु को कौन कौन से, ये क्षैतिज अक्ष और ये ऊर्ध्वाधर अक्ष, दोनों के कटान बिंदु को हम बोलते हैं मूल बिंदु, जिससे हम ओ से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। हमें वर्ग की भुजा और वर्ग का परिमाप इसके बीच ग्राफ बनाना, तो वर्ग की भुजा को मैं कर लेता हूं एक अक्ष में, किसमें एक अक्ष में, तो वर्ग की भुजा यहां पर लिख दूं क्या, बिल्कुल लिख दो सर, वर्ग की भुजा, देखो वर्ग की भुजा, अब ये किसमें दिया था सेंटीमीटर में, तो सेंटीमीटर करके लिख देता हूं सेंटीमीटर में, ठीक है। एक अक्ष में दर्शा रहे हैं तो मैंने एरो का निशान बना दिया। वर्ग का परिमाप जो कि सेंटीमीटर में दिया गया, उसको वाई अक्ष में रखेंगे, कहां पर वाई अक्ष में, तो ये है हमारा वाई अक्ष, तो वर्ग का परिमाप यहां पर हम लिख देते हैं वर्ग का परिमाप, अब ये किस में दिया हुआ सेंटीमीटर में, सेंटीमीटर में, चलो सेंटीमीटर में मैंने यहां पर लिख लिया सब, बहुत बढ़िया। देखो अब वर्ग की भुजा जो है एक से लेकर जीरो से लेकर स्टार्ट होता है, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 कहां तक गया, अधिकतम मान 7 तक गया, तो 0 से लेकर हमें 7 तक जाना पड़ेगा, 7 खानों तक जाना पड़ेगा, बिल्कुल आ जाओ। तो ये हुआ 1, ये हुआ 2, ये हो चुका हमारा 3, ये हो चुका हमारा 4, फिर आएगा हमारा 5, थोड़ा सा नीचे करते हैं इसको, सीध में लिखेंगे 5 हो गया, ये हो चुका 6 और ये हमारा हो चुका अंतिम में 7, बिल्कुल सर यहां तक ही क्लियर है। फिर यहां पर वर्ग का जो परिमाप दिया हुआ है वो 0, 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, अगर मैं 1 से लेकर स्टार्ट करूंगा 1, 2, 3, 4, 5, 28 से जाऊंगा, तो ये बोर्ड छोटा पड़ जाएगा, आपकी कॉपी छोटी पड़ जाएगी, भाई क्या करोगे अब, नहीं अब क्या करोगे, तो हम क्या करेंगे अंतराल मिलेंगे, कितने कितने के अंतराल मिलेंगे, 4 चर के अंतराल में लेते हैं, 4 चर के अंतराल में हम लेते हैं, तो एक लिख कर डायरेक्टली हम क्या लिखेंगे यहां पर, लिख देते हैं 4 को, 4 को लिख दो, आ जाओ ये हो जाएगा 4, 4 के बाद क्या जाएगा यहां पर, ये आ चुका 8, ये हो चुका 12, ये क्या हो जाएगा 16, फिर क्या हो जाएगा ये, चलो ये हो चुका 20, ये हो चुका 24 और यहां पर आ चुका हमारा 28 है, बिल्कुल आ चुका 28, ठीक है। चलो अब इतना करते ही आप क्या करोगे, पैमाना, बारी आती सर पैमाने की, पैमाना लिखो, पैमाना, पैमाना में एक नंबर रहता है ना, पैमाना, पैमाना देखो, तो एक अक्ष का पैमाना क्या होगा, एक अक्ष का, एक अक्ष का एक बड़ा खाना, एक बड़ा खाना, एक अक्ष का जो एक बड़ा खाना है वो हमें क्या बता रहा है, तो कितने कितने का अंतर चल रहा है, एक एक का अंतर चल रहा है और इसका यूनिट क्या है सेंटीमीटर में, तो एक सेंटीमीटर हो जाएगा, तो एक बड़ा खाना बराबर क्या हो जाएगा एक सेंटीमीटर, एक बड़ा खाना बराबर क्या हो जाएगा एक सेंटीमीटर हो जाएगा, बिल्कुल सर सही जवाब है। अब बारी आती सर वाई अक्ष का पैमाना क्या होगा, तो लिखो यहां पर वाई अक्ष, वाई अक्ष, अब वाई अक्ष का एक बड़ा खाना,
एक बड़ा खाना। देखो अब एक बड़ा खाना क्या होगा, देखो हम कितने कितने का अंतराल रहना है, यहाँ पर चार चार का अंतराल रहे, तो एक बड़ा जो खाना है वो 4 सेंटीमीटर के बराबर होगा। सेंटीमीटर में क्यों, क्योंकि इसका यूनिट दिया गया था हमें सेंटीमीटर में, तो एक बड़ा खाना बराबर ये हो जाएगा 4 सेंटीमीटर। बिल्कुल 4 सेंटीमीटर, बिल्कुल सही जवाब, बिल्कुल इतना काम हो गया। तो वापस आइए अपने टेबल पर, देखिए देखो 0 0 और मूल बिंदु का पता हमें निर्देशांक क्या होता है, 0 0 होता है, तो 0 0 कहां पर आएगा, ये यहां पर आएगा, कहां पर, ये यहां पर, यहां पर इसको हम लिख देते हैं 0 0। ये देखो ये हो चुका 0 0, बिल्कुल सर। फिर क्या था, 1 और 4, तो x अक्ष का मान है 1 और y अक्ष का मान क्या है 4 है, तो 1 और 4 को मिलाओ, ये हुआ हमारा 1 और ये हमारा हुआ 4। 4 को आगे की ओर बढ़ाएंगे और 1 को आगे की ओर बढ़ाएंगे, तो मान लेते हैं कि यहां पर आया हुआ है, चलो दोनों को हम ज्वाइनिंग करा देते हैं सर, ये मैंने दोनों को मिला दिया। अब इसका निर्देशांक क्या होगा, तो इसका जो निर्देशांक होगा, हमने x अक्ष का मान लिया हुआ था 1 और y अक्ष का मान क्या आया 4 आया सर, बिल्कुल सही जवाब। फिर 2 को मिलाना है 8 से, ये रहा हमारा धन का 2 और ये रहा हमारा धन का 8, दोनों को आगे की ओर बढ़ाएंगे, दोनों को आगे की ओर बढ़ाएंगे, तो मान लेते हैं कि 2 को मैं आगे की ओर बढ़ाया तो मुझे यहां पर मिला इसका कटान बिंदु, तो दोनों को हम ज्वाइन करा देंगे सर, बिल्कुल सही। ये देखो ज्वाइन करा दिया। देखो अब इस बिंदु का हमें निर्देशांक लिखना है, तो x अक्ष का निर्देशांक क्या है 4 है और y अक्ष का 8 है सर, ये हो चुका 2 8, बिल्कुल सर। फिर क्या था, 3 को 12 से मिला, ये रहा हमारा 3, ये रहा हमारा 3 और ये रहा हमारा 12, चलो दोनों को आगे की ओर बढ़ाते, डॉटेड लाइन से ये मिलाया मैंने और इसको आगे की ओर बढ़ाऊंगा तो मान लेते हैं कि यहां पर आया हुआ है, चलो दोनों को फिर से हम मिला देते हैं, ज्वाइन करा देते हैं, ये मैंने ज्वाइन करा दिया, ठीक है। चलो अब इस बिंदु का निर्देशांक क्या होगा 3 और y अक्ष का क्या होगा, ये हो चुका 12, बिल्कुल सर सही जवाब, ये 3 और 12, ठीक है। चलो फिर आते हैं किस पे, 4 और 16 पे, तो 4 और 16 को मिलाओ, ये हुआ 4 और ये रहा 16, 16 को आगे की ओर बढ़ाओ, बढ़ाते बढ़ाते आगे बढ़ाते हैं, चलो 4 को आगे बढ़ाओ, 4 की गाड़ी यहां तक जाएगी, यहां पर आकर ब्रेक हो जाएगी, ठीक है। चलो तो यहां पर मैं इन दोनों को मिला देता हूं, चलो ये मैंने मिलाया, ठीक है। तो इसका निर्देशांक क्या होगा 4 और ये हो जाएगा 16 सर, बिल्कुल सही जवाब। फिर क्या था, 5 को 20 से मिलाना, ये हुआ 5, ये हुआ 5 और ये रहा 20, 20 को आगे की ओर बढ़ाते हैं, ये मैंने डॉटेड लाइन से उसको आगे बढ़ाया, 5 को आगे की ओर बढ़ाऊंगा कि मान लेते हैं कि यहां पर आया हुआ है, दोनों को फिर से हम मिला देंगे, चलो ये मिला दिया मैंने, ठीक है। चलो अब इस बिंदु का निर्देशांक क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 20, क्या हो चुका 5 20 हो चुका। उसके बाद क्या था, 6 को 24 से और 7 को 28 से, तो 6 को मैं मिलाने जा रहा हूं 24 से, ये रहा 24, देखो धन का 24, आगे की ओर बढ़ा इसको, ये अब 6 को आगे की ओर बढ़ाएंगे तो मान लेते कि यहां पर आया हुआ है, ठीक है। चलो दोनों को फिर से मिलाओ, ये हो जाएगा, देखो अब इस बिंदु का निर्देशांक क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 6 का 24, 6 का मिल चुका 24, 7 को मिलाना है 28 से, तो ये रहा 7 और ये रहा हमारा 28, दोनों को आगे की ओर बढ़ाते हैं, बढ़ाओ 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 बढ़ाओ, चलने दो चलने चलने दो, हाँ यहां तक, फिर 7 को आगे की ओर बढ़ाते हैं, मान लेते हैं कि यहां पर आया हुआ है, कहां पर, यहां पर आया हुआ है, चलो दोनों को मिला देते हैं, देखो ये ठीक है। चलो तो इसका कटान बिंदु हमें यहां पर मिला, जिसका निर्देशांक क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा और 28 हो जाएगा। जितने भी आपको कटान बिंदु मिले हुए हैं सबको आप मिला दो, सबको क्या करो मिला दो, बिल्कुल मिला देंगे सर, बिल्कुल देखो देखो। चलो तो मैं क्या करने आ रहा हूं, जब मैं इन सभी बिंदुओं को मिलाऊंगा तो मुझे एकदम स्ट्रेट लाइन मिलने वाली है, सभी जो बिंदु है एक साथ मिलने वाली है। मैं थोड़ा सा यहां पर मेरे जो बिंदु है वो न मिल पाए क्योंकि मैं मेजर करके नहीं किया हूं, अगर आप नाप करेंगे ना तो सभी जो बिंदु है, सभी जो बिंदु है एकदम सीध पर आने वाली, एक सीध पर आने वाली, देख लो एक सीध पर आने वाली है, सभी जो बिंदु है वो एकदम सीध पर आने वाली है, बिल्कुल भी आगे पीछे नहीं होगा, ये एकदम एक सीध पर आने वाली, देख लो देख लो। बिंदु को मैं दूसरे कलर से दिखा देता हूं आपको, देखो ये देखो, ये यहां पर हमें मिल रहा है, ये हमें यहां पर मिल रहा है, ये मिल रहा है, ये हमें मिल रहा है, यहां पर मिल रहा है और ये हमें अंतिम में यहां पर मिल रहा है। हमारा ग्राफ पूरा बन चुका, बहुत बेहतरीन तरीके से हमने ग्राफ बना लिया सर, बिल्कुल। ये देखो कुछ भी नहीं करना है, ना कैलकुलेशन है, ना फॉर्मूला है, ना कुछ भी नहीं, ये क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका आपका, 4 में से 4 अंक मिलने वाला है, पूरा ग्राफ का 3 नंबर, तो 1 नंबर आपको मिलेगा पैमाना से, तो पैमाना बिल्कुल लिखना है और ये हमारा क्वेश्चन हो चुका कंप्लीट। एक क्वेश्चन मैंने लिया हुआ है प्रश्न क्रमांक 4, जो कि प्रश्न क्रमांक 3 के जैसा ही बनने वाला, पूरा एज इट इज आपको सॉल्व करना पड़ेगा। यहां पर इसको रखेंगे एक्स अक्ष में और इसको रखेंगे किसमें, वाई अक्ष में रखेंगे। एक्स अक्ष को कहां तक लेंगे, 7 तक ले जाएंगे और वाई अक्ष को कहां तक ले जाएंगे, 49 यानी कि 50 तक रखेंगे, ठीक है। तो यहां पर कितने कितने का अंतराल लेंगे, तो हम क्या करेंगे पता है, हम 5 5 का अंतराल ले लेंगे, क्यों
आप चाहे तो 10-10 की भी सकते हो, 5-5 कर, फिर 4-4 कर, जैसे आपको ठीक लगे कर सकते हो। तो आप क्या करोगे, जब 5 का अंतर लोगे तो वाई अक्ष का एक बड़ा खाना किसके बराबर होगा, 5 सेंटीमीटर के बराबर हो जाएगा। ये पैमाना लिखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा, ठीक है। तो आज की इस क्लास में हमने चार महत्वपूर्ण प्रश्नों पर बात कर लिया। ये चार ही प्रश्न है, चार में से अगर चारों प्रश्न को आपने कर लिया तो चार में से कोई ना कोई एक प्रश्न बिल्कुल आपके एग्जाम में देखने के लिए मिलने वाला है। चार प्रश्न 4 मिनट और आपके 4 नंबर पक्के होने वाले हैं। तो इस तरह से इस चैप्टर को मैंने कंप्लीट कर लिया और इस इकाई 2 को भी हमने कंप्लीट कर लिया। इकाई 2 जो कि हमारा था निर्देशांक ज्यामिति, इसको कंप्लीट कर लिया हमने। 8 नंबर की तैयारी और कर ली। सबसे पहले हमने बीजगणित खत्म किया, जहां पर हमने 20 नंबर की तैयारी कर ली है। और सेकंड जो हमारा यूनिट था निर्देशांक ज्यामिति, यहां पर 8 नंबर के क्वेश्चन करते हैं, इसको भी हमने खत्म कर लिया। अभी तक हमने टोटल 28 नंबर की तैयारी कर लिए हैं। आगे की क्लास में हम और कुछ नए टॉपिक पर बात करेंगे, हम अपने नए चैप्टर को स्टार्ट करने वाले हैं। अगर बच्चों वीडियो अच्छा लगा तो बिल्कुल लाइक करना, कमेंट करना है और दोस्तों तक शेयर करना है। हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।